सत श्री अकाल बच्चो, मैं सुरदीप लेके आई हां तुहाडे लई बड़ी ही खूबसूरत कहानी, खरगोश दी कहानी। एक जंगल विच बहुत सारे पशु पंछी प्यार नाल इकट्ठे रहंदे सन। एक दिन खूंखार शेर उस जंगल विच आया। शेर ने आउंदिया ही जंगल दे सुख चैन अते शांति नूं तां जिवें नजर ही लग गई। शेर जंगल विच मर्जी नाल शिकार करदा, कुछ जानवरां नूं खांदा ते कुछ नूं मार के सुट दिंदा। हौली हौली जंगल विच जानवरां दी गिनती घट होण लगी। सारे जानवर डरे सहमे अपने अपने घर विच वड़े रहिंदे। एक दिन जदों शेर गुफा दे विच सौं रिहा सी, उदों सारे जानवरां ने बैठक कीती कि शेर तों किवें बचिया जावे। रुख ते एक बजुर्ग कां वी बैठा सी। उहने कहा, बहुत पहलां दी गल है, एक वार इसे तरह दा संकट साडे पशु पंछियां ते आया सी। उदों एक खरगोश ने सानू सब नूं बचाया सी। उत्थे हाजर होर भी बहुत सारे जानवरां ने शेर तों खरगोश दे बचाउण वाली कहानी सुनी सी। उन्हां भी कां दी हां विच हां मिलाई। हुण सारे जानवरां दी नज़र अकलमंद सफेदू खरगोश ते सी। ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਫੈਦੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗਾ, पर फिर भी उन्हें सब नाल वादा कीता कि वो कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेगा ते बैठक खत्म हो गई। जंगल दी सुख शांति फिर किवें वापस लियांदी जावे ते शेर तो किवें छुटकारा पाया जावे, ए सोच के सफेदू खरगोश नूं सारी रात नींद ना आई। उन्हें पुरानी युक्त लाउणी चाही अते किसे बहाने शेर नूं खूह ते बुला के उस नूं खूह विच इक होर शेर कहानी होण दी गल दसी। पर शेर ने अपने बुजुर्गां दी बेवकूफ बन जाने वाली गल सुनी हुई सी, ओ इस तरह दे बहकावे विच ना आया। एक दिन दुपहरे खरगोश रुख दे थल्ले अपनी खुड विच बैठा सी। उदों उस नूं रुख ते कुछ घुसर मुसर सुनी। खरगोश ने कान ला के सुनिया कि रुख ते बैठे दो व्यक्ति आपस विच गल्लां कर रहे सन। एक बोलिया, मैं जंगल विच पहला कई वार शेर दे शिकार करन लई आया, पर इत्थे कदे भी शेर नहीं विखाई दिता। फिर दूजा व्यक्ति बोलिया, हाँ बहुत समा हो गया, मैनू भी यह लगता है कि इस जंगल विच शेर है ही नहीं, चलो वापस चलते हैं। दोनों व्यक्तियों की गल सुन के खरगोश समझ गया कि वह शिकारी सन अते जंगल विच शेर दे शिकार लई आए सन। खरगोश नूं पता सी कि शेर की गुफा इत्थों दूर है अते इस समय वह अपनी गुफा विच सुत्ता हुंदा है। खरगोश सोच रहा सी कि शेर नूं नींद तो जगा के इन्हां शिकारियां दे सामने किवें लियांदा जावे। उदों उस नूं कोल ही एक चूहा दिखाई दिता। चूहे नूं देख के जल्दी ही खरगोश दे दिमाग विच एक युक्त आई। उन्हें चूहे दे कन विच कुछ कहा ते चूहे नूं नाल लै के शेर दी गुफा कोल पहुंचिया। खरगोश ने कुछ समझाउंदिया होया चूहे नूं शेर दी गुफा दे अंदर भेज दिता। चूहा गुफा दे अंदर पहुंचा अते सुत्ते शेर नूं तंग करन लगा। ओ कदे शेर दी मुछ दे वाल खिचदा ते कदे उस नूं कुत्तकतारी कढ़दा। चूहे दीआं हरकतां नाल शेर दी नींद खुल गई अते ओह जोर दी दिहाड़िया। किस दी हिम्मत होई मेरी नींद विच विघन पाउण दी? शेर दी नींद खुलदिआं ही चूहा चुप चाप गुफा चों बाहर आ गया। उधर शेर दी दहाड़ जदों जंगल विच गूंजी तां शिकारी चकन्ने हो गए। शेर गुस्से विच अपनी गुफा चो बाहर आ गया। गुफा दे बाहर खरगोश नूं देख के शेर ने समझा कि इस खरगोश ने ही मेरी नींद विच विघन पाया है। ओह खरगोश दे पिछे भज्जिया। खरगोश तेज रफ्तार नाल भजदा होया शेर नूं उत्थों तक लै गया जिथे ओह शिकारी लुक के बैठे हुए सन। शेर नूं देखदिआं ही दोवां शिकारियां ने अपनियां बंदूकां चुक लईआं ते निशाना मार के शेर नूं बेहोश करके पिंजरे विच बंद करके शहर वल नूं लै गए। शेर दे जंगल चों जांदिआं ही जंगल विच जिवें मंगल हो गया होवे। सारे जानवर एक बार फिर खरगोश दी होशियारी ते समझदारी दा लोहा मन गए। सो बच्चो, सोहणी जी कहानी तुहानू पसंद आई कि नहीं? जेकर आई है तो इसनू लाइक करके शेयर कर दिओ। जेकर तुहानू किसे भी वर्ड दा मतलब समझ नहीं आउंदा तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच पुछ सकदे हो, मैं तुहानू रिप्लाई करांगी।
फिर मिलदी हां किसी होर खूबसूरत कहानी दे नाल। तद तक लई बहुत बहुत धन्यवाद।